तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं दैट हाउ यू कैन स्टार्ट विथ योर बिटसाइट प्रिपरेशन इफ यू आर करेंटली एट जीरो लेवल। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों के ऊपर सेपरेट बात करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगी आपको स्टार्ट करने के लिए, ऑल्सो उन बुक्स को आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या जो बुक्स हैं हमें उनको पूरा सॉल्व करना है या फिर देर आर सम थिंग्स, देर आर सम क्वेश्चन, सम काइंड ऑफ सेक्शंस ओनली विच वी नीड टू अप्रोच। तो हम इन सब पे बात करेंगे। बिटसैट 2021 एंड 2022 दोनों के ही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो राइट आफ्टर दिस इंट्रो। ओके, सो गाइस सबसे पहली बात तो ये जो मैं आपको पाथ बताने वाला हूँ, दिस इज द एग्जैक्ट पाथ विथ विच एवरीवन फॉलोज। यानी जो बच्चा 11th क्लास से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है एंड उसने भी 2020 में अपना एग्जाम दिया, यानी उसने दो साल मेहनत करी बिना कोई बैकलॉग के, उसने बिल्कुल प्रॉपरली मेहनत करी एंड अगर उसने 400 क्रैक करा है बिटसाइट स्कोर तो भी उसने ऑलमोस्ट सेम पाथ फॉलो करा। एंड वो बच्चा जिसने 11th में कुछ नहीं करा और वो 12th में आके वो जागता है, उसको रियलाइज होता है कि यार अब पढ़ना पड़ेगा, उसको भी सेम पाथ को फॉलो करना है इन ऑर्डर टू गेट एनी स्कोर। दिस इज द ओनली पाथ, देयर इज नो शॉर्टकट। हम ये नहीं बोल सकते कि भैया हमारे पास सिर्फ 5 महीने हैं या 7 महीने या 8 महीने हैं एंड दस वी कैन नॉट मूव ऑन दिस पाथ। हम ये बुक तो कर ही नहीं सकते, इसमें टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ये हम लोग बोल रहे हैं ना यार, तो फिर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई डोंट नो कि यार इसके अलावा क्या पाथ, जो शॉर्टकट है वो मुझे नहीं पता। आई कैन जस्ट टेल यू कि यार आप इस पाथ पे चलो एंड एट द एंड दिस इज माई गारंटी कि आपको स्कोर मिलेगा अच्छा। 350 एम करो 350 मिलेगा, 400 एम करो 400 मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस पाथ पे चले तो आपको जरूर मिले। शॉर्टकट्स मुझे नहीं पता, शॉर्टकट्स के लिए आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी आपकी जो भी सिचुएशन है, आपके पास जितना भी टाइम बचा है, ट्राई करो कि उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमने पुराने टाइम में जब भी आपका 11 चल रहा था या 12 के कुछ टॉपिक्स थे, अगर हमने मेहनत नहीं करी उस टाइम पे, पढ़ाई नहीं करी, देन यू हैव टू पुट इन दोज एफर्ट्स नाउ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को एंड प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि ये आप एग्जीक्यूट कर रहे हो अच्छे लेवल पे अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए। तो मैथ्स की बात करें तो यार मैथ्स में आपको आर डी शर्मा से स्टार्ट करना है। अब आर डी शर्मा में हमें पूरी सब कुछ नहीं करना, आप आर डी शर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लीजिए बस, जितने चैप्टर्स हैं 12th से स्टार्ट करना है। ठीक है, जितने चैप्टर्स हैं सबके जाके आप सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लीजिए। अब सॉल्व एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, सो एक क्वेश्चन आएगा कि भाई इतने सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं या फिर हम अल्टरनेट कर लें या फिर हम हर टाइप का एक सॉल्व एग्जाम्पल कर लें तो काम चल जाएगा। सो इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आपको लगता है कि यार ये चैप्टर है जिसका मुझे फील आ गया अच्छे से एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर मैं एक क्वेश्चन भी करूंगा एक टाइप का तो मेरा काम हो जाएगा, तो आप एक करिए एंड आगे बढ़ जाइए। बट अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो थोड़ा ट्रिकी है, एक से मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर आप मल्टीपल क्वेश्चंस करिए। इट्स कम्प्लीटली योर कॉल, बट द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रैक्टिस द सॉल्व एग्जाम्पल्स। आप देख के कर सकते हैं, बिना देखे करने की जरूरत नहीं है, बट जब आप देख के कर रहे हैं देन ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट कि हम समझ रहे हैं चीज़ों को, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है रादर देन जस्ट लर्निंग डाउन द प्रोसीजर। राइट, जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो फिर हम बाकी के क्वेश्चन में बिना देखे भी सॉल्यूशन उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें। एक बार हमारा आर डी शर्मा हो जाएगा देन वी हैव टू मूव ऑन टू सेंगेज। सेंगेज भी यार बहुत ज्यादा वास्ट बुक है, जी एडवांस के लिए है वैसे तो, बट बिटसाइट के लिए हमें कुछ गिनी चुनी चीजें करनी है। एक तो हमें सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं सेंगेज के, दूसरा हमें कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस करनी है सेंगेज में। हर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज में अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, तो कोशिश करिए कि सारे हो जाएं। सारे नहीं हो रहे तो आप अल्टरनेट क्वेश्चन पे जा सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो सेम फॉर्मेट के या सेम टाइप के होते हैं। तो यार ये आपको करना है। अब इसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट आई वुड से कि यार आप मैथ्स को अच्छे से करके चलिए क्योंकि इट इज मैथ्स ओनली विच क्रिएट्स मोस्ट ऑफ द डिफरेंस इन बिटसैट स्कोर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे मैथ्स में आते हैं, सबसे लेंदी क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हमारे रिलेटिवली मैथ्स में ही आते हैं। तो अगर आपने मैथ्स पर अपनी जकड़ बना रखी है, यू आर स्ट्रांग इन मैथ्स, तो आप बाकी लोगों को बहुत इजिली आउट परफॉर्म कर सकते हो। राइट, तो यार मैथ्स पर आप बहुत अच्छे से फोकस करके चलिए। आर डी शर्मा से स्टार्ट करिए यार। अगर आप सेंगेज नहीं भी कर पा रहे, आपने आर डी शर्मा कर रखी है, देन यू कैन सॉल्व अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन इन बिटसैट। सारे तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि मतलब सारे आप कर लोगे बिटसैट में क्वेश्चन अगर आपने आर डी शर्मा कर रखी, बट होता क्या है कि मेरी आर डी शर्मा की नॉलेज उतनी है कि मैं सारे कर पाऊंगा, बट मेरी आर डी शर्मा की नॉलेज उतनी नहीं है कि मैं विद इन द गिवन टाइम सारे क्वेश्चन कर पाऊंगा।
सेंगेज में आपको डिफरेंट कैटेगरी से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ और फॉर्मेट्स मिल जाएंगे क्वेश्चंस के जो आएंगे आरडी शर्मा के बेसिक से ही, इनको डिराइव आप आरडी शर्मा से कर सकते हो, बट अगर हम एग्जाम में डिराइव करने बैठ गए ना तो टाइम बहुत लग जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दिस हम पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सेंगेज करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको लगता है कि सेंगेज में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट आई मेड अ वीडियो ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर बिटसाइट, तो आप उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले सेंगेज में से कंप्लीट कर लो एंड देन इन द एंड वन यू आर डन विद ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तब आप फिर बाकी चैप्टर्स को अप्रोच करें। पूरा प्लान मैंने आपको बता दिया, इसको एग्जीक्यूट करो, जितनी बुक्स हैं सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है, तो इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। आपके कुछ भी और डाउट्स हो तो मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, एक्चुअली आई एम ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड विद ऑल द टॉपिक्स, मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इन 2019 एंड 2020। अब आप मुझे बताइए यार कमेंट्स में कि और मैं किस टॉपिक पे बिटसाइट से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा एंड आपकी सबकी क्वेरीज में सॉल्व करूंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करिए, कमेंट तो आपको करना ही है, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।